सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोहन एंड आप देख रहे हो टेकी आर। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के सबसे ज़्यादा हाइप्ड फोन सैमसंग A52s 5G के बारे में, जो कि फाइनली इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। क्या इसका गाइज प्राइस पॉइंट रखा गया है, किस स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आने वाला है, इसके गुड एंड बैड पॉइंट्स, आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं, एक फुल डिटेल रिव्यू आज की इस वीडियो में हम इसका करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, एंड तक जरूर से देख लेना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। एंड जल्दी से लाइक बटन भी प्रेस कर देना। सो शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, शुरू कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड से। सो गाइस, डिजाइन के मामले में आपको सेम एज A52 4G वाले वेरिएंट जैसा ही मिलने वाला है। वैसा ही गाइस आपको इसका बैक लुक देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक की बैक, प्लास्टिक का फ्रेम एंड फ्रंट साइड पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बात करें गाइस फिजिकल ओवरव्यू की, सो बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा, फ्रंट साइड पर सिंगल पंच होल कैमरा मिल जाएगा सेंटर में। उसके अलावा गाइस टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक भी मिल जाएगा, एंड ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, एंड IP67 की रेटिंग के साथ ये फोन आने वाला है। सो डिजाइन एंड बिल्ड से गाइस आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो बैक साइड का प्लास्टिक भी है वो भी गाइस नॉर्मल सा प्लास्टिक नहीं है, एक प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिससे लुक एंड फील आपको अच्छी मिल जाती है। सो गाइस, मैं यहाँ पर कहूंगा कि डिजाइन एंड बिल्ड से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात कर लेते हैं गाइस अब इसकी डिस्प्ले की। सो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है, विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल HD+ के रेजोल्यूशंस के साथ में 800 nits पीक ब्राइटनेस। सो गाइस, डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको अच्छी दी गई है, AMOLED के साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगा। सो डिस्प्ले से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, टॉप नॉच डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके कैमरास की। सो बैक साइड पर गाइस आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ के लिए मिल जाएगा। आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे अपने बैक कैमरा से, एंड यहां पर आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब गाइस कैमरा एंड वीडियो क्वालिटी आपको इस फोन में काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। बात करें गाइस फ्रंट कैमरा की, सो यहां पर गाइस आपको सिंगल पंच होल कैमरा मिल जाएगा एक सेंटर में, जहां पर गाइस आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सो कैमरा सेटअप से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैमरा सेटअप यहां पर आपको अच्छा मिलने वाला है। अब गाइस बात कर लेते हैं इसकी बैटरी एंड चार्जिंग की। सो गाइस यहां पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, एंड फोन सपोर्ट करता है गाइस 25 वॉट की चार्जिंग को, बट बॉक्स में आपको कितने वॉट का चार्जर मिलेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। कहीं पर गाइस 15 वॉट कहा जा रहा है, कहीं पर 25 वॉट कहा जा रहा है, बट 25 वॉट भी अगर हम लेकर चले, क्योंकि चलो फोन तो 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता ही है, उससे ऊपर तो हमें नहीं मिलेगा, अगर मिलता भी है तो फोन तो सपोर्ट करेगा नहीं। सो 25 वॉट की चार्जिंग को भी अगर हम लेकर चले, तो गाइस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली बैटरी एंड चार्जिंग दोनों थोड़े से यहां पर आपको कम मिलने वाले हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, फिलहाल स्पेसिफिकेशन खत्म कर लेते हैं। यहां पर गाइस बात करें प्रोसेसर की, सो यहां पर गाइस आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर। प्रोसेसर नो डाउट आपको काफी अच्छा मिलने वाला है, 6nm का गाइस ये प्रोसेसर है, हीटिंग इश्यूज यहां पर आपको कम देखने को मिलेंगे, एंड पावर एफिशिएंसी भी है। सो प्रोसेसर से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गेमिंग की गाइस बात करें तो BGMI गाइस यहां पर आप एंजॉय कर पाओगे स्मूथ में, एक्सट्रीम पर एंड उसके आगे अल्ट्रा पर, उसके आगे ये नहीं जाता। सो गाइस गेमिंग भी यहां पर मैं आपको कहूंगा कि आपको डिसेंट गेमिंग यहां पर मिल जाएगी, आपको प्रोसेसर से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, गेमिंग आप अच्छी कर पाओगे। उसके अलावा डेली यूजेज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं देगा ये प्रोसेसर। उसके अलावा यहां पर आपको ये जो 5G प्रोसेसर मिलता है, ये सिर्फ नाम का 5G नहीं है, यहां पर आपको टोटल 12 5G बैंड्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर आपको 5G कनेक्टिविटी काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं गाइस कुछ और पॉइंट्स की। सो यहां पर आपको ये फोन मिलेगा एंड्रॉइड 11 पर आउट ऑफ द बॉक्स, एंड वन UI का यहां पर आपको सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, एंड सैमसंग की तरफ से गाइस यहां पर आपको 3 साल तक OS अपडेट देखने को मिल जाएंगी। मतलब गाइस 5G के भी आपको 12 बैंड मिल गए, OS अपडेट भी आपको 3 साल की देखने को मिल गई। सो जिन लोगों को गाइस एक फ्यूचर रेडी फोन चाहिए, उनके लिए एक फोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड वन UI भी यहां पर आपको फुल फ्लेज देखने को मिलेगा, मतलब यहां पर आपको नॉक्स की सिक्योरिटी भी अच्छी वाली देखने को मिल जाएगी, सैमसंग पे का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब गाइस सैमसंग के जो प्रीमियम डिवाइसेस में आपको सभी ऑप्शंस मिलते हैं, वो सभी ऑप्शंस आपको इस फोन में भी देखने को मिलने वाले हैं। सिक्योरिटी के मामले में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सो गाइज ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें, सो फोन अच्छा आपको मिलने वाला है। अब गाइज बात कर लेते हैं इसके गुड एंड बैड पॉइंट्स के बारे में। सो गाइज यहाँ पर आपको जो गाइज इसका फर्स्ट मैं कहूँगा गुड पॉइंट मिलता है, वो है फोन की लुक। सेकंड पॉइंट गाइज यहाँ पर आपको जो मिलता है वो है फोन की डिस्प्ले। AMOLED के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बहुत ही अच्छी डिस्प्ले यहाँ पर आपको दी गई है। कैमरा से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, सैमसंग के कैमरास भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। सेकंड थिंग गाइज इसका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिलने वाला है।
अब बात कर लेते हैं इसके कुछ बैड पॉइंट्स के बारे में। सो यहाँ पर गाइज आपको जो इसका बैटरी बैकअप मिलता है वो जरूर से थोड़ा कम लग सकता है, बिकॉज गाइज जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो भी आपकी बैटरी को जल्दी से कंज्यूम करेगा। एंड चार्जिंग स्पीड भी गाइज यहाँ पर आपको 25 वॉट तक की देखने को मिलने वाली है। बात करें कॉम्पिटिशन की तो इससे कम प्राइसिंग में 33 वॉट, 50 वॉट, 65 वॉट के भी चार्जर हमें मिल जाते हैं। सो गाइज ये यहाँ पर इसका एक ड्रॉपेज हो सकता है, बैटरी की साइड से गाइज ये फोन आपको परेशान कर सकता है। बात करें गाइज वेरियंट एंड प्राइसिंग की, सो गाइज यहाँ पर इसके दो वेरियंट लॉन्च किए गए हैं, 6GB RAM with 128GB memory and 8GB RAM with 128GB internal memory. And guys, जिनकी प्राइसिंग रखी गई है 6GB वाला वेरिएंट गाइज आपको मिलेगा 36,000 की प्राइस रेंज में, एंड जो गाइज इसका 8GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 37,500 की रेंज में। एंड गाइज प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली मैं कहूंगा ये चीजें जस्टिफाई नहीं करती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, नो डाउट आपको गाइज फीचर्स अच्छे मिलते हैं, बट प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये जो इसके सभी स्पेसिफिकेशंस हैं ये जस्टिफाई नहीं करते, बिकॉज इससे कम प्राइस में इससे बेटर ऑप्शंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर सैमसंग अपने कॉम्पिटिशन में देखे तो इससे बेटर हमें ऑप्शंस और मिल जाते हैं। ठीक है, सैमसंग गाइज अपनी गुडविल के अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंगली प्राइसिंग सेट करता है, एंड सैमसंग लवर्स उसे वहां पर परचेज करना भी पसंद करते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस वहां पर नहीं किए जाते। बट फिर भी गाइज ये चीजें हमें भी देखनी चाहिए, सैमसंग को भी देखनी चाहिए कि कॉम्पिटिशन में क्या चल रहा है। अब गाइज जो हमारा रिसेंटली भी लॉन्च हुआ था मोटो एज 20, उसमें गाइज आपको डिस्प्ले भी इससे बेटर मिलती है, कैमरा सेटअप भी इससे बेटर मिलता है, प्राइसिंग इससे कम मिलती है, एंड प्रोसेसर दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलता है। एंड ये जो गाइज प्राइस सेगमेंट है 30,000 वाला, यहाँ पर वैसे भी सभी कंपनीज काफी अग्रेसिव हो चुकी हैं, चाहे हम बात करें रियलमी की या रेडमी की, एंड वन प्लस तो ऑलरेडी वहां पर बैठा ही है। सो गाइज अगर सैमसंग को इस रेंज में आगे कॉम्पिटिशन करना है तो उसे जरूर से इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन चीजों को कैसे सेट करना है। बाकी गाइज अगर इसकी प्राइसिंग 30,000 तक की रेंज में आती फिर नो डाउट ये आपको एक अच्छा पैकेज यहां पर मिलने वाला है। बाकी गाइज अगर सैमसंग की हम प्राइसिंग की बात करें सो जल्दी ही गाइज इनका प्राइस ड्रॉप या कोई स्कीम वगैरह इन पर देखने को मिल जाती है। बाकी अभी 36,000 की अगर प्राइस रेंज की हम बात करें सो गाइज मैं आपको ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा, इतने प्राइसिंग आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए, आपको कम प्राइस में ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप सैमसंग लवर हो तो भी मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि डेफिनेटली इस पर आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, ज्यादा नहीं तो महीने या डेढ़ महीने तक आपको इस पर प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। सो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि गाइस अभी आगे M52 भी आने वाला है, वो भी किस स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। सो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट कर लेना चाहिए। अब आई नो कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि भाई सैमसंग ब्रांड है, उसमें आपको सिक्योरिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, तो यस ब्रांड है, सिक्योरिटी की तरफ से आपको कोई इश्यूज नहीं आते हैं, आपको यहाँ पर UI भी इनका अच्छा देखने को मिलता है। बट गाइज यहाँ पर ये लास्ट कॉल आपकी होगी कि आपको ब्रांड वैल्यू देखनी है, आपको सिक्योरिटी देखनी है, क्योंकि आपको प्राइसिंग गाइज आपको ही पे करनी है। बाकी अगर मेरे से पूछा जाए तो इस प्राइसिंग पर मैं गाइज इस फोन को रेकमेंड नहीं करता। अगर इस फोन की प्राइसिंग 30,000 तक आती है फिर तो नो डाउट काफी अच्छा फोन रहने वाला है, बट उससे ऊपर आई डोंट थिंक एक बेटर डील हो सकती है। अब गाइज जो सैमसंग A52 था 4G वाला वेरियंट, वो गाइज आपको मिल रहा है 6GB 128GB वाला करीब 26,500 रुपए की रेंज में। एंड गाइज यहाँ पर अगर हम चेंजेस की बात करें सो यहाँ पर जस्ट एक रिफ्रेश रेट चेंज हुआ है डिस्प्ले का, एंड प्रोसेसर चेंज हुआ है, एंड वो 4G में था ये 5G में है, एंड इसी बात पर गाइज 10,000 रुपीज बढ़ा दिए गए हैं, जो कि आई डोंट थिंक के जस्टिफाई करते हैं इसके बाकी फीचर्स को। बाकी गाइज आप लोग अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में देकर जाना, एंड ये भी बता के जाना कि आप लोगों के लिए ज्यादा मायने क्या रखता है, एक ब्रांड का नाम या फिर फोन की स्पेसिफिकेशंस। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर से करके जाना ही है। बाकी गाइज मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। Thanks for watching.